नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। उस समीकरण की सहायता से इस प्रक्रम में किया गया टोटल वर्क हमें अगर बताना हो तो हम इस तरीके से बताएंगे कि उस समीकरण में जो भी आयतन, ताप या दाब जितना एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक चेंज होता है, जितना वो एरिया कवर करता है, उस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमें बताएगा कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उस रुद्रोष्म प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने पर। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। इसके वाई एक्स पे लिया गया है दाब, एक्स एक्स पे लिया गया है वॉल्यूम, वी हमारी प्रारंभिक अवस्था है ए, जहाँ पे पी वन दाब है, V1 आयतन है, T1 उसका टेम्परेचर है, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आयतन है V1। फिर ये अवस्था A से B तक जाती है, A से B तक आते हैं और ऐसा हम करते हैं ए बी रुद्रोष्म वक्र के अनुदिश, जहाँ पे दाब P2, आयतन V2, टेम्परेचर T2 है। और यहाँ पे हम नीचे मिलाएं तो यहाँ पे हमारा आयतन है V2। यहाँ पे ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है, ये A और ये B। तो हमें इस टोटल एरिया के द्वारा किया गया वर्क बताने के लिए इस एरिया में एक छोटी सी चकती डिस्क लेनी पड़ेगी और उस डिस्क का एरिया हम निकालेंगे, फिर टोटल लिमिट लगा के हम जितनी भी हमें एरिया का निकालना है उसकी लिमिट लगा के हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश इतनी चकती का ये एरिया निकालना होगा। उसके बाद हम V1 से V2 की लिमिट लगा देंगे और टोटल वर्क हमें मिल जाएगा। तो थोड़ी सी थ्योरी है कि माना रुद्रोष्म प्रक्रम में एक गैस प्रारंभिक अवस्था A P1 V1 T1 से अवस्था B P2 V2 T2 तक रुद्रोष्म वक्र AB के अनुदिश अवस्था परिवर्तन करती है, अपनी अवस्था को वो चेंज करती है इस वक्र AB के अनुदिश, जो कि एक रुद्रोष्म वक्र है। और रुद्रोष्म वक्र यानी रुद्रोष्म का अर्थ क्या होता है एडियाबेटिक, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं, अवस्था परिवर्तन करती है। अब हमें ये इसका एरिया बताना है, ये जो शक्ति हमने माननी है। यदि दाब P पर आयतन में परिवर्तन dB हो तो किया गया कार्य dW और PdV होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं dW बराबर PdV होता है। अगर आयतन में परिवर्तन dV हो और P दाब हो तो dW बराबर होता है PdV। अब इस चित्र के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से ये PdV किसके बराबर होगा, ये इस एरिया के बराबर होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश के, क्योंकि इस पे तो लिया गया है दाब और इस पे लिया गया आयतन dV। तो हम अगर लंबाई इंटू चौड़ाई के हिसाब से भी देखें तो P × dV, यानी इसका जो भी एरिया आएगा वो आएगा P × dV। तो इसको लिख दिया हमने, ये dW किसके बराबर होगा, किया गया कार्य इस एरिया के बराबर, इस क्षेत्रफल के बराबर, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब अगर हमें इस अवस्था A से इस अवस्था B तक जाना है तो उसमें किया गया टोटल कार्य हमें अगर बताना हो, यानी वॉल्यूम जब V1 था और वॉल्यूम जब V2 था, तो ये वॉल्यूम V1 से V2 होने तक कितना वर्क हमें करना पड़ा, तो हम इसी समीकरण की लिमिट लगा देंगे और dV के सापेक्ष में आकलन हमें करना होगा, तो हम टोटल एरिया का जो वर्क है वो बता पाएंगे। तो कुल वर्क हो गया W, यानी A से B तक जाने में किया गया कुल कार्य टोटल वर्क हो गया W, V1 से V2 लगा दी हमने लिमिट, क्योंकि हमारा V1 से लेके V2 तक हमारी लिमिट है आयतन की, V1 से V2 और PdV। ये किसका एरिया होगा, ये टोटल A B C D, ये टोटल इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा, टोटल इसका एरिया होगा जो कि कुल वर्क हमें बताएगा। तो इसके लिए हम रुद्रोष्म अवस्था समीकरण का प्रयोग करेंगे। रुद्रोष्म अवस्था समीकरण होती है PV गामा बराबर कॉन्स्टेंट, वहां से हमें P की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर P की वैल्यू पुट करके हमें dV के रिस्पेक्ट में, यानी V के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। इसके बाद हम P की वैल्यू यहाँ K अपॉन V की गामा के फॉर्म में रख देंगे dV, K कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लेंगे और V1 से V2 लिमिट हो जाएगी 1/V की गामा dV। फिर V की गामा ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस गामा हो जाएगी, dV हो जाएगी। तो W बराबर आ जाएगा K V1 से V2 V की माइनस गामा dV। फिर हम समाकलन कर देंगे इसका x की घात n के हिसाब से। तो फॉर्मूला होता है हमारा x की घात n dx बराबर
एक्स की एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। देखें ये एक निश्चित समाकलन है जिसमें लिमिट लगी हुई है, इसलिए इस समाकलन में कोई कांस्टेंट सी नहीं आता है। अगर समाकलन इन अनिश्चित हो जिसमें लिमिट नहीं हो, तो जब हम समाकलन करते हैं तो उसमें हमारा एक प्लस सी कांस्टेंट भी आता है जो अनिश्चित समाकलन के अंदर आता है। तो यहाँ पे के हमारा बाहर रह जाएगा और इस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे तो आ जाएगा वी की माइनस गम्मा प्लस वन बटे माइनस गम्मा प्लस वन वी वन से वी टू। तो माइनस गम्मा प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया हमने, तो हमने लिमिट रखी, तो पहले वी की जगह रखेंगे वी टू, तो वी टू माइनस गामा प्लस वन माइनस के दूसरी लोअर लिमिट रखी जाती है तो माइनस लगाते हैं, माइनस वी वन माइनस गामा प्लस वन। फिर हम क्या करेंगे, हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो वी वन प्लस का हो जाएगा, वी टू माइनस का हो जाएगा, बाहर जो माइनस आएगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा गामा माइनस के वन। गामा माइनस वन वी वन की माइनस गामा प्लस वन माइनस वी टू की माइनस गामा प्लस वन। फिर देखिए के को अंदर हम मल्टीप्लाई वापस कर देंगे क्योंकि हमें ये गामा प्लस वन इसको सोल्व और करना है, तो डब्ल्यू बराबर वन अपॉन गामा माइनस वन बराबर के, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया के यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया। फिर हम जानते हैं कि जो रुद्रोष्म समीकरण होती है पी वी की गामा बराबर के होता है, तो अगर हम एक अवस्था की बात करें तो पी वन वी वन की गामा बराबर भी के होगा और पी टू वी टू की गामा बराबर भी के होगा। तो ये जो वन वाले फंक्शन है ये इसके रिस्पेक्ट में वन है यहाँ रख देंगे, और के का मान जो टू वाले के रिस्पेक्ट में है वो ये टू वाला मान हम यहाँ रख देंगे। तो इसके बाद हमें समीकरण मिलेगी ये, इस समीकरण में डब्ल्यू बराबर वन अपॉन गामा माइनस वन बाहर रह जाएगा, पी वन वी वन की गामा फिर वी वन की माइनस गामा वन पहले से था, माइनस पी टू वी टू की गामा और वी टू की माइनस गामा प्लस वन यहाँ था, यानी हमने के की वैल्यू ये रखी और के की वैल्यू ये रखी। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वी वन की गामा यहाँ है और इसके साथ वी वन की माइनस गामा यहाँ है और वी वन की घात एक भी है, तो गामा और माइनस गामा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वी वन की घात एक बचेगी जिसको हम सिर्फ वी वन लिख सकते हैं, माइनस पी टू, और इसी तरीके से वी टू की गामा और वी टू की माइनस गामा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा वी टू। तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू आ गया। फिर हम जानते हैं कि एन मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी बराबर एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी। तो इसको अगर हम वन और टू के रिस्पेक्ट में लिखें तो लिख सकते हैं पी वन वी वन बराबर एन आर टी वन और पी टू वी टू बराबर एन आर टी टू। तो हम पी वन वी वन का मान यहाँ रख देंगे और पी टू वी टू का मान हम यहाँ रख देंगे, तो समीकरण मिलेगी डब्ल्यू बराबर वन अपॉन गामा माइनस वन एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू। एन आर को जब हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एन आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो टेम्परेचर में आती है, टेम्परेचर में आती है जो टोटल वर्क को प्रदर्शित करती है, ए से बी तक जाने में किया गया कुल कार्य जो है उसको ये प्रदर्शित करती है। हमारी समीकरण ये भी वर्क को ही प्रदर्शित करती है लेकिन ये दाब और आयतन की फॉर्म में है और ये टेम्परेचर की फॉर्म में है। अब देखिए जो हमारी आदर्श गैस सॉरी अवस्था समीकरण होती है रुद्रोष्म प्रक्रम की वी पी वी गामा बराबर के या बराबर कॉन्स्टेंट, उसकी एक दो अलग फोरम है, उस फोरम पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत बार, तो उसमें तीन चार राशियां आ जाएंगी। देखिए ये हमारी समीकरण होती है पी वी गामा बराबर के बराबर कॉन्स्टेंट, अगर हम इसमें आदर्श गैस समीकरण लगाते हैं एक मोल के लिए पी वी बराबर आर टी, और यहां से अगर मैं पी की वैल्यू निकाल के इसको यहां रख दूं तो सिर्फ आयतन बचेगा, वी और टेम्परेचर आ जाएगा, यानी ताप और आयतन में एक रिलेशन मिलेगा, तो ये समीकरण जो अलग फॉर्म में बन जाएगी, वहां से न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं। तो देखें आर टी अपॉन वी रख दिया मैंने पी की जगह, डॉट रह गया वी की गामा बराबर कॉन्स्टेंट, तो टी आर जो है इसके बटे में लिया क्योंकि आर का मान कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट बटा कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट ही मिलेगा हमें, और वी की माइनस ऊपर आएगा माइनस वन हो जाएगी वी की घात, और वी की गामा पहले से है तो वी की गामा माइनस वन। अगर हम इस चीज को हम दो अवस्थाओं पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा टी वन वी वन की गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू की गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट, यानी दोनों चीजें बराबर होंगी, तो यहां से टी वन वी वन की गामा माइनस वन बराबर टी टू वी टू की गामा माइनस वन। ये एक दूसरा रूप मिलता है, ये रूप है आपका अवस्था समीकरण है रुद्रोष्म प्रक्रम की उसी का, उसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो टेम्परेचर है और दो आपके पास आयतन है, गामा का मान है वो एक कॉन्स्टेंट होता है,
एक परमाणु गैस के लिए, द्वि परमाणु गैस के लिए और त्रि परमाणु गैस के लिए अलग अलग होता है, और दो विशिष्ट उष्माओं का अनुपात जो है उसी को हम कहते हैं गामा, यानी गामा बराबर होता है सी पी अपॉन है सी वी। इसका मान अलग अलग होता है। तो आपको इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, उसमें आपको ऐसा हो सकता है दो टेम्परेचर दे दें, एक वॉल्यूम दे दें, उसको पहला वॉल्यूम पूछ लें, या पहला वॉल्यूम दे दिया जाए, दो टेम्परेचर दे दिया जाए, दूसरा वॉल्यूम पूछ लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है दो वॉल्यूम दे दें, एक टेम्परेचर दे दें और दूसरा टेम्परेचर पूछ लिया जाए। तो अगर आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल मिलते हैं जहाँ पे दो वॉल्यूम हो और एक टेम्परेचर हो, तो आपको इस समीकरण को अप्लाई करना होता है। इसी का एक दूसरा रूप भी है, यदि पीवी बराबर आरटी उसी आदर्श गैस अवस्था समीकरण से अगर हम वी का मान निकालें, पहले हमने निकाला था पी का, अब अगर हम वी का मान निकाल लेते हैं तो आरटी अपॉन पी आएगा, उसको हम वी की जगह रखेंगे, तो पी पी वी की जगह कहाँ रखेंगे, गामा यानी जो आपकी समीकरण है रुद्रोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण वहां रखना है। तो पी और वी की गामा, तो वी की जगह रख दिया आरटी अपॉन पी की गामा बराबर आ गया कॉन्स्टेंट। तो फिर देखें आर की गामा और टी की गामा बटे पी की गामा होगी, पी की गामा को ऊपर ले आए तो माइनस गामा बराबर कॉन्स्टेंट, तो आर की गामा को मैं कॉन्स्टेंट के बटे में ले जाता हूं, तो इससे गामा का मान भी कॉन्स्टेंट है, आर खुद भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट राशियों का अनुपात कॉन्स्टेंट ही आएगी, तो टोटल कॉन्स्टेंट लिख दिया। ये हमारे पास बचा पी की गामा, सॉरी टी की गामा पी की माइनस गामा प्लस वन बराबर आ गया कॉन्स्टेंट। तो ये आप वन माइनस गामा में लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये दो अवस्थाओं पर फिर से अप्लाई किया, तो टी वन की गामा पी वन वन माइनस गामा बराबर टी टू की गामा पी टू वन माइनस गामा। तो ये जो रूप आया है वो आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दाब में आया है, ताप और दाब में आया है। तो इसी के तरीके से अगर आपको दो टेम्परेचर दे दिए जाए, एक दाब दे दिया जाए, तो आप एक अलग दाब का मान निकाल सकते हैं, दो दाब और एक टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप दूसरे टेम्परेचर का मान निकाल सकते हैं। गम्मा का मान आपको दिया जाएगा क्योंकि गम्मा एक अनुपात है और अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो आपको मूल रूप से तीन समीकरण याद रखनी है, एक पीवी गम्मा बराबर कॉन्स्टेंट होती है जो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण है, उसमें आप देख सकते हैं दाब और आयतन में रिलेशन होता है, इसका दूसरा रूप ये है उसमें ताप और आयतन में रिलेशन है, और इसका तीसरा रूप ये है जिसमें ताप और दाब में रिलेशन है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।